दोस्तों, रिसेंटली नेपाल में चाइनीज लैंग्वेज, जिसको हम मैंड्रिन भी बोलते हैं, उसको स्कूल्स में पढ़ाना कंपलसरी कर दिया गया है। यह एक बहुत ही बड़ा इशू है और भारत के लिए यह खतरे की घंटी क्यों माना जा रहा है और भारत सरकार के लिए यह बड़ी हार क्यों है, आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो खोज खबर और दुनिया चैनल और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो रिसेंटली नेपाल से एक बहुत ही बड़ी खबर आई है कि नेपाल के 90% स्कूल्स में चाइनीज लैंग्वेज को पढ़ाना कंपलसरी कर दिया गया है और यह रूल सिर्फ सरकारी स्कूल्स के लिए नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी कंपलसरी करा गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि नेपाल की सरकार ने आखिर यह स्टेप क्यों लिया। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है चाइना की कम्युनिस्ट सरकार के द्वारा दिया गया नेपाल को ऑफर। हाल ही में चाइनीज गवर्नमेंट ने नेपाल को एक ऑफर दिया है कि आप चाइनीज लैंग्वेज को पढ़ाना कंपलसरी कर दीजिए अपने स्कूलों में, उसके बदले में हम आपको चाइनीज पढ़ाने के लिए हाई क्लास फैकल्टीज प्रोवाइड करवाएंगे और उन टीचर्स की सैलरी का खर्च भी चाइनीज गवर्नमेंट ही पे करेगी। यानी कि नेपाल की सरकार को कोई पैसे नहीं देने उन टीचर्स को चाइनीज पढ़ाने के लिए, बस नेपाल की सरकार को उन टीचर्स के एकोमोडेशन और खाने पीने का जुगाड़ करना होगा, बाकी सारा खर्चा और रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने का ठेका चाइना की सरकार खुद लेगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, चाइना को क्या फ़ायदा है इससे। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत और नेपाल के अंदर काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं और हमेशा से नेपाल के भारत के साथ रिश्ते काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे हैं। तो चाइना की यही कोशिश है कि जो इंडिया के जितने भी पड़ोसी देश हैं वहाँ पे अपने हम स्ट्रेटेजिक तौर पे खुद को मजबूत करें, वहाँ पे अपना कल्चरल इन्फ्लुएंस बढ़ाए। जो चाइना की गवर्नमेंट अभी ये नेपाल के अंदर करने जा रही है ना, ये एक तरीके का कल्चरल कॉलोनियलाइजेशन है कि वहाँ के लोगों को मैंडरिन सिखा दो ताकि एक दो दशक बाद वहाँ पे उनकी ये कॉमन लैंग्वेज बन जाए। चाइना को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा कि उनका कल्चरल इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, भारत स्ट्रेटेजिक तौर पर और कमज़ोर होगा क्योंकि पहले से ही वो पाकिस्तान को तो अपने कब्जे में कर चुका है लोन दे देकर और वहाँ पे सीपैक कॉरिडोर वगैरह बना के, जबकि श्रीलंका में भी उन्होंने हम्बनटोटा पोर्ट पर अपना कब्जा कर रखा है 99 इयर्स की लीज के नाम पे। उसके अलावा बांग्लादेश से भी उन्होंने अपने रिश्ते काफ़ी ज़्यादा सुधारे हैं। हाँ, भूटान में सिंस इंडिया का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, इस कारण से भूटान को इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया चाइना, इंडिया की वहाँ पर फिर भी थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक सही है। उसके अलावा मालदीव्स में भी काफ़ी कोशिश करी थी चाइना ने, मगर भारत किसी तरीके से वहाँ पे अपना वर्चस्व और इन्फ्लुएंस बरकरार रखने में कामयाब रहा। तो ये भारत के लिए एक तरीके से बहुत बड़ी हार मानी जा रही है क्योंकि भारत को अपनी अब जो फॉरेन पॉलिसीज़ है उसमें थोड़ा सुधार लाना पड़ेगा, थोड़ी सी आक्रामक नीति बनानी पड़ेगी फॉरेन पॉलिसी को लेकर, और अपने जो पड़ोसी है उनके साथ टाइज और सुधारने के लिए बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। उसके अलावा जिस तरह से नेपाल अपने हाइड्रो प्रोजेक्ट चाइनीज कंपनीज को दे रहा है वो भारत के लिए उतना ठीक नहीं है। नेपाल चाइना के इन्फ्लुएंस में अब आता जा रहा है और उनकी जितनी भी पॉलिसीज़ है वो प्रो चाइना होती जा रही है। चाइना नेपाल में इंडिया का जितना भी इन्फ्लुएंस है, चाहे वो कल्चरल हो या स्ट्रेटेजिकल हो, उसको ख़त्म करना चाहता है ताकि जितनी भी सिमिलैरिटीज़ है इंडिया और नेपाल के बीच वो पूरी तरीके से डिमोलिश हो जाए, ख़त्म हो जाए और चाइना का वहाँ पे दबदबा बन जाए। ये एक तरीके का कल्चर कॉलोनियलाइजेशन कर रहा है चाइना, क्योंकि अब लड़ाइयाँ युद्धों से नहीं लड़ी जाती, ऐसी कूटनीति से लड़ी जाती है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि भारत के लिए सीखने को क्या है। इसमें मेनली दो पॉइंट्स हैं जिन पे भारत को अपना काम करना चाहिए। पहली चीज़ यह है कि भारत को अपने नेबरिंग कंट्रीज से रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए बड़े स्टेप्स लेने होंगे, चाहे वो अपने विदेश नीति में बदलाव करे, चाहे वह वहाँ पे अपना स्ट्रेटेजी चेंज करे, चाहे वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए इन्वेस्ट करे, किसी भी तरीके से अपने नेबरिंग कंट्रीज से रिलेशन सुधारने होंगे। उसके अलावा एक और बड़ी चीज़ यहाँ पे यह भी देखने को मिलती है कि जिस तरीके से चाइना अपनी मैंड्रिन लैंग्वेज को पूरी दुनिया में फैला रहा है ग्लोबली, उससे भारत को भी सीख लेनी चाहिए। आप अपनी हिंदी लैंग्वेज को आज तक पूरे इंडिया में नहीं फैला पाए क्योंकि साउथ के जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे पॉलिटिकल रीजंस के चलते विरोध हो जाता है, वो कहते हैं कि हम पे हिंदी ज़बरदस्ती नहीं थोपी जाती। खासकर केरला तमिलनाडु जैसे जितने भी स्टेट्स हैं वो बिल्कुल खुल के सामने आ जाते हैं हिंदी को कंपलसरी करने के विरोध में, जबकि चाइना में पहले उन्होंने बड़े सिस्टमेटिकली मैनर के साथ अपनी मैंड्रिन लैंग्वेज को पूरे चाइना में फैलाया, उसको एकदम वेल एस्टेब्लिश किया और अब पूरी दुनिया में भी स्टेप बाय स्टेप फैला रहा है,
बहुत से देशों में उन्होंने बहुत सस्ते रेट पे कॉन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूशंस खोले, जहाँ पे वर्ल्ड क्लास फैकल्टी प्रोवाइड की जाती है चाइनीज लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए। उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेज में चाइनीज लैंग्वेज भी इंक्लूडेड है, जबकि इंडिया की हिंदी लैंग्वेज इंक्लूडेड नहीं है। जब हम इंडिया के अंदर ही पूरे ढंग से हिंदी को नहीं फैला पाए, प्रमोट कर पाए, तो यूएन में तो घंटा हम कर पाएंगे इनको कंपलसरी। तो यह भारत के लिए सीखने वाली बात है। और अगर आपके दिमाग में अब भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। तब तक के लिए भाई, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़ और जय हिंद।